नमस्ते भाई लोग, और बताओ कैसी चल रही है जिंदगी। जिंदगी अच्छे चलवाने के लिए जिंदगी में बंदी नहीं गंदी होना चाहिए। उफ उफ, गांड फाड़ू मोटिवेशनल स्पीकर मान गया। एक और हाँ, मजा आ रहा है। जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हो तो गांड मारो लेकिन दिल मत लगाओ। देखा, मोटिवेशनल के मामलों में मैं 2-4 MBA चलने वाला को खड़े होकर ब्लोजब दे सकता हूँ। ओके गाइस, सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो गाइस, आज हम देखने वाले बिल्ली कैसे बिल्ला को ब्लो जॉब देती है, कलयुग की दो इच्छाधारी भोसड़ों के मिलन के वजह से कैसे मगरमच्छ पैदा हुआ। हम मगर इस नक से तो कम ही जहरीला है। और आखिर में हम कुछ एजुकेशनल वीडियोस भी देखेंगे कि कैसे हम तमिल एक्सेंट पे हिंदी गाली दे सकते। अन्ना मामने का भोमनेसरा, लेट्स स्टार्ट। आज मैं अचानक दोस्त के घर आ गया, लेकिन एक दिक्कत है, दोस्त के घर के सामने आके देखा ताला लगा है। मैं तो फोन भी नहीं लाया, अगर आप होते तो कॉलिंग बेल बजाते, मैं तो वो भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं बजाऊंगा जरूर। आप देखते रहो मैं क्या करता हूँ। भाई इतने मेहनत करने से अच्छा कैमरामैन को ही बोल देते। हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना जरूरी है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा, इतनी लड़कियाँ मुझे भाई बोल चुकी हैं। अच्छा, समझ नहीं आता पापा ने किस किस की माँ। कमाईला तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। हाय, तो तुझे तेरे चाचा के बेटी भी बोलती है, इसका मतलब तेरे बाप ने तेरे चाची को। एक और मजा आ रहा है। भाई तो तुझे तेरे बुआ के लड़के भी बोलते है, इसका मतलब तेरे बाप ने खुद की बहन को। भैया जी आप यार, इनका कमेंट है ही बोलती कि आपकी कास्ट कौन सी है। ऐसे नहीं बताऊंगा, आप कमेंट में बताएं मेरी कास्ट का फर्स्ट लेटर ए से आता है, तो आप कमेंट में बताएं कि मेरी कास्ट कौन सी होगी। अदरक की चुत। लोग होते होंगे लाखों में एक, पर मेरा वी वो तो पूरी दुनिया में एक है। दीदी ठीक ही कह रही है। अब देखो यार, भगवान से तो कभी कभी गलती हो ही जाते हैं ना, इसलिए इसके जैसे सैंपल दुनिया में सिर्फ एक ही है। नहीं दीदी, आप ठीक ही कह रही हो, और इसका नाम भी नहीं, गांड में गरम घी होना चाहिए था। आपसे ज्यादा इज्जत है हमारे पास, पूछो कैसे। आपकी इज्जत एक बार गई तो गई, हम तो रोज रात को इज्जत बेचते। 150 रुपया है, चलेगा। BTS Brand. और तुम लड़कों की बात करते हो। मेरे ऊपर तो लड़कियां भी बहुत मरती हैं। क्यों, लेस्बियन है तू, या फिर तेरी सलवार के नीचे तलवार है। ये है कलयुग की दो इच्छाधारी भोसड़ी वाला नाग। ये दोनों क्रोधित इसलिए है क्योंकि किसी बावली गांड ने इन दोनों की नागमणि चुरा ली। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। टीवी सीरियल की तरह ये दोनों नागमणि स्थल पे नहीं गांड पे धारण करते। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज इन दोनों की नागमणि ढूंढने में इनकी मदद करिए। और इनकी नागमणि कुछ इस प्रकार दिखती है। वाओ, आप लोगों को याद होगा कुछ महीनों पहले मैंने सीपीयू में ऑमलेट बनाने का ट्राई किया था और ऑमलेट अच्छे से बन भी गया था सीपीयू के हीट से। तो मैंने सोचा वेजिटेरियन के लिए क्यों ना आलू का पराठा बनाया जाए सीपीयू में। वापस स्पैम क्यों नहीं बन जाता भाई, नाश्ते पे क्या टेक बर्नर को खा लिया था, या तू तो किसी दिन अपने लंच के ऊपर रोटी सेक के खा लेगा। आपका उंगलोड है, इनका इवंगलोड है। आपका नाम क्या है, उंगलोड है पेयर एन्ना। देखो यार, मैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के नीचे नहीं दिख रहा हूँ, लेकिन हर बार ये लौड़ा लंड के ऊपर वीडियो ना बना के कभी कभी चुत।